बलराम पांडे भी हमारे साथ हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। बलराम, क्या बड़ी तादाद में किसान वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं? बिल्कुल राजेंद्र, सुबह से ही किसान धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और जो तस्वीरें पहले देखी गई थी वो तस्वीरें फिर से दोबारा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया के जरिए भी किसानों से आह्वान किया था कि वो भारी तादाद में आज के दिन गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, क्योंकि आगे की रणनीति तय करनी है, किसान आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी इसके बारे में भी चर्चा करनी है, आज बैठक होगी, यानी आज किसानों की पंचायत गाजीपुर बॉर्डर पे होगी और उसके बाद तय होगा कि आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि कल यानी 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है और उसमें सभी पहलुओं पर बातचीत होगी कि आगे किसान किस तरीके से आंदोलन करेंगे, किसानों का आंदोलन आगे चलेगा या नहीं चलेगा। और जो खुला पत्र सरकार को किसानों द्वारा लिखा गया था उसका जवाब आया कि नहीं आया और किन बिंदुओं पर सरकार ने जवाब दिया है या नहीं दिया है, जो किसान इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं राजेंद्र, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका कहना क्या है, क्योंकि उनके नेता तो कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी कानून नहीं तब तक घर वापसी नहीं है, जबकि पहले ये ऐलान था कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाए हम घर चले जाएंगे, अब ये फेरबदल क्यों? नहीं, ये फेरबदल नहीं है, आप लोग इसे घुमा फिरा के बता रहे हो। जिस दिन से हमारी वार्ता हुई है, 11 दौर की जो वार्ता हुई है, हर उसमें हमारा ये था कि एमएसपी की गारंटी, तीनों कृषि कानून वापस और बिजली अमेंडमेंट बिल है और जो किसानों पे मुकदमे हैं, अगर इस तरह हम घर चले गए ना तो गांव वाले हमें ताह ताह के मार लेंगे, हम यहाँ शहादत देने नहीं आए। तो गांव वालों का भी डर है, आप बताइए आप क्या कहेंगे? दरअसल समस्या कई है, आप लोग न्यूज से हैं, आप घर से चलते हो तो समस्याएं पैदा होती चली जाओ। जब हम यहाँ आए थे एक साल में कितनी समस्याएं पैदा हुई, कितने लोग हमारे को शहादत हुई, उन सब का मामला है। दो मुद्दों पर तो इन सब बात पहले ही होगी थी, पुराली वाले पे, और वो तो इन्होंने पहले कर दिया था। अब समस्या थी एमएसपी की, एमएसपी पे शुरू से ही समस्या थी। यानी अगर सरकार पहले मान जाती तो एक ही समस्या थी, तीनों कृषि कानून, लेकिन जब से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं तब से धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती गई हैं। देखिए मैं बता दूं, ये किसान क्रांति गेट है, 2018 में भी ऐसी कई यहाँ हम जो है एमएसपी की मांग को लेके आए थे। ये तो जब 2018 में कहीं तीनों कृषि कानूनों की चर्चा तक नहीं थी, ये हमारे एजेंडे में नहीं था तीनों कानून, ये तो कानून सरकार द्वारा लाया गया और सरकार ने वापस कर लिया, इसे भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा। ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए तो आप लोगों की अब लालसा बढ़ गई है कि अब ये भी हो जाना चाहिए, अब ये भी हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं अब दबाव बनाने की और ज्यादा जरूरत पड़ गई सरकार पे? देखिए कृषि कानून बिल तो बाद में आए हैं, एमएसपी का मुद्दा तो काफी पुराना हमारा और यही मांग है। ठीक है, अब कानून बिलों से ना किसानों को, किसान जो है उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में आप बता रहे हैं कि इकट्ठे हो रहे हैं और तस्वीर वही पुरानी वाली वहां पर फिर से बनती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बलराम और शक्ति गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाने के लिए।